गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर, मैं पहले एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर के सेक्शन ए के बारे में समझाया था, आज एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर के सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर के सेक्शन या यूनिट सेकंड में क्या क्या आता है, हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप जरूर ध्यान देखे इस वीडियो को, तो सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे ध्यान दो। देखो, पेपर सेकंड है सेक्शन बी, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी, ब्रजपुर के छात्र और अलवर के मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र, ध्यान दो। उनका जो सेक्शन बी है उसमें फ्रेंसिस बेकन और जॉन डन है, ये तीनों यूनिवर्सिटियों में सेम है। फ्रेंसिस बेकन फादर ऑफ ऐसे है, उसके निबंध है ऑफ ट्रूथ है, ऑफ डेथ है, ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिलीजन है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ पेरेंट्स है, ऑफ सिंगल एंड मैरिड लाइफ है। ये तो फ्रेंसिस बेकन के ऐसे है इन तीनों यूनिवर्सिटी में। जॉन डन की जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट है, उसकी पोएम्स है द कॉलोनाइजेशन, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, द एक्सटेसी, बेनेडिक्शन ऑफ वेपिंग, द फ्ली, द रेलिक और बटर माय हार्ट। ये तीनों यूनिवर्सिटियों में सेम सिलेबस है यूनिट सेकंड में, या आप कह लो सेक्शन बी में। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड का सेक्शन बी में ही। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बच्चों के सिलेबस में सेक्शन बी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की प्रीफेस टू शेक्सपियर है और जॉन ड्राइडन की एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री है। अब हम एमए प्रीवियस का वही पेपर सेकंड का सेक्शन बी या यूनिट सेकंड कह लो, जो कोटा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनका एडमंड स्पेंसर केवल एक ही राइटर है जिसका है फेरी क्वीन बुक फर्स्ट का, कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चे। और जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के जो छात्र हैं उनका जो यूनिट सेकंड है यानी कि सेक्शन बी में, उसमें चार राइटर है, चौसर का प्रोलोज टू कैंटाबरी है, डन की वही पोएम है द फ्ली, द गुड मोरो वगैरह, ये मार्बल की टू इज फॉर मिस्ट्रेस है और हर्बर्ट की द कॉलर है। और सेक्शन बी में यानी कि यूनिट सेकंड में बीकानेर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों का एमए प्रीवियस का जो सेकंड पेपर है उसके सेक्शन बी में जॉन वेबस्टर का डचेज ऑफ मालपी है और बेन जॉनसन का एल्केमिस्ट है। तो ये तो रहा सिलेबस, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी और एमडीएस का शेखावाटी का अलग है। इसमें शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर में, ये बिल्कुल अलग है उनके। जो एमए फाइनल में जो फर्स्ट पेपर है वो उनके सेकंड एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर के सेक्शन बी में है, जॉन डॉक्टर सोमवाल का जॉनसन है और जॉन ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री है। अब इसे कैसे लर्न करना है, ध्यान दीजिएगा, जो आरयू मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटी के हैं, देखो फ्रेंसिस बेकन के ऐसे हैं, ये छोटे छोटे ऐसे हैं, आप इन सारे ऐसों की थ्योरी को पढ़िए और जज करने की कोशिश कीजिए कि इसकी थ्योरी में क्या गया, क्या कहा गया है। डन के सारे के सारे रोमांटिक पोएम्स हैं, अगर आप इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में भी फायदा होगी। तो इन दोनों को लर्न करने से आपको एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन में मदद मिलेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये दोनों लर्न करना चाहिए। सेक्शन बी जो है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के में, जो जॉन ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री है, ये आसान और इजी है, हालांकि ये प्रीफेस टू शेक्सपियर भी इजी है, दोनों में से आप कोई सा भी एक लर्न कर सकते हो। और इधर अगर मैं कोटा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनके स्पेंसर ये द फेरी क्वीन है, और एमडीएस के छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये चौसर लंबा पड़ जाएगा उनके, मैं कहूंगा कि वो डन और मार्वल की जो पोएम है टू इज कोई मिस्ट्रेस, बहुत छोटी पोएम है जिसमें वो अपनी प्रेमिका के बारे में कहता है, रोमांटिक पोएम है, और हर्बर्ट की द कॉलर एक रिलीजियस पोएम है। आप ये भी छोटी छोटी पोएम्स है, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे सेक्शन बी में तीनों राइटरों को लर्न कर सकते हैं। और जो बीकानेर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो जो बेन जॉनसन या जॉन वेबस्टर में से डचेज ऑफ मालपी की बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें बहुत सोलो कैरेक्टर रहता है, इसमें एंटोनियो रहता है, इसमें डचेज मालपी रहती है, इसमें कार्डिनल रहता है, फर्डिनेंड रहता है और कैसेस व्यू रहता है, ये सारे कैरेक्टर रहते हैं। तो ये कि बहुत ही ट्रेजेडीफुल ड्रामा है जो कि जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया है, इजी है, आसान है लर्न करने में, तो आप इस तरह से इसके सिलेबस को लिखिए। दूसरी बात, जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं आप पहले लॉन्ग आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक अच्छा आंसर कवर कर पाए। और सीरीज और पासबुक से
पढ़ने के बजाय आप इसकी ओरिजिनल थ्योरी को पढ़े और खुद पॉइंट आउट कीजिए। पॉइंट्स में एक बात जरूर ध्यान में रखना, जब आप पोएटिक थ्योरी को लर्न करें तब आप इमेजिनरी और ब्यूटी को और इनके राइम को जब बताएं तो पोएटिक लाइन जरूर लिखने की कोशिश करें ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। इस तरह से आप इसे लर्न कीजिए। अब जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, हमारे पास उनके पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत हो मुझे जरूर कॉल करें, मेरा फोन नंबर है 9928669092896304387। और ये जो सारे के नोट्स हैं ये उन्हें पीडीएफ में मिलेंगे और वह किसी भी तरह से इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।